शैतान सिंह तुम्हें वचन देता है, जो शैतान सिंह का वादा है कि अगर किसी ने तुम्हें आंख दिखाया है तो नाम बताओ, उस नालायक की आंखें निकाल कर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। हेलो, और अगर कोई नालायक तुम्हारे सामने सर उठाकर बात करने की जरूरत की है तो सिर्फ नाम बताओ शैतान को, उसका सर कलम करके तुम्हारे कदमों में डाल देगा शैतान। हेलो, अभी आप आ गए बभुआन कुमार, ग्राम सभा बैदवार से चल के आए, उनके तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार, 11 रुपया दे थे, कहे थे शैतान सिंह संभल के रह, हिसाब से रह, उल्टा सीधा काम न कर, नहीं वो बैदवार के हैं। क्या मैं गलत काम कर रही हूँ? आप बात नहीं करते हो, भाग कर। नहीं, मैं ऐसे नहीं काम करता, ऐसा नहीं करते, तब तो बड़ा सुंदर है। बताओ अंजू, ऐसा कौन सा नालायक है जो कि तुम्हें दुख दिया है? मैं उस दुष्ट का नाम अतिशीघ्र जानना चाहता हूँ। बता रहे ही आपसे, अवश्य बताओ कौन मुझे सताया है। बात मेरी अरे सुनो कारी करके, बन गए मेरे दुशु मन पिता और बहन, शान मिट्टी में उनकी आए मिला दूर हो जाए। सान मिट्टी में उनकी अरे मिला दो अगर अतूर हो जाए दिल की। अभी आप आ गए परम सम्मान्य मने राम नरेश मुसहरा, राम नरेश मुसहरा ग्राम सभा साजी से चल के आए हैं, उनके तरफ से प्रस्तुत सीन पे 21 रुपए का पुरस्कार, कथन दौलत के आदि हम है ओ है। अरे अंजो, अवश्य शैतान सिंह का वादा है कि अगर तुम्हारे बहन और तुम्हारे पिताजी ने ही तुम्हें दुख पहुंचाया है तो शैतान सिंह तुम्हें वचन देता है कि आज से ही शैतान नामक साया उस बुढ़े और तुम्हारे बहन के ऊपर मर रहेगा। अवश्य आज से ही तुम्हारे घर की बर्बादी शुरू कर देगा यह शैतान। तुम निश्चिंत होकर अपने महलों को जाओ, शैतान पर भरोसा रखना, सिर्फ जो शैतान से वादा की हो उसका ध्यान देना अंजो, बस ठीक। बाकी आज से काम तुम्हारा नहीं बल्कि इस शैतान का है, ये मेरा वचन। आप निश्चिंत होकर अपने महलों को जाइए। अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। हेलो, जिसका मुझे था इंतजार उस इसके लिए दिल था बेकरार। ये आप आ गए हमारे आस्था पाली क्लिनिक तराम कुराम मेजावाली रोड पे, उनकी डॉक्टर जंग बहादुर आ गए हमारे बेलहट के रहने वाले हैं, 101 रुपए का पुरस्कार बा। हमसे ज्यादा तो तू जाना तो बहुत जानकार हो, असल बताना तो कहे कहे ना के दे हारमोनिया हाँ, पुई पुई ना कर
तुम्हार बहन जब ऐसन रही बेलहड़ वाले के नहीं दिन तो पैदवारे वाले कम से कम नहीं दिन तो बेलहड़ वाले दे दे। अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल आवे करार, ओ घड़ी आ गई आ गई, गाड़ी में हाथी से गुजर जान। ए बंद कर यार, जिसका मुझे था इंतजार, हम ओ की इंतजार। तू क्यों रो रहा है? हम रोवत कहा है? क्यों हम रोवत थोड़ी है, बात ऐसा बा ना के काम तोहार मान लो हो जाए। बिल्कुल मुस्कियात बड़ी सुंदर होती तोरे मुस्क। मैं इसलिए हंस रही हूँ तेरा चेहरा देख करके। नहीं एक एक खीतिर हम नहीं हंसत है, हम उन्हें हंसत है। डॉक्टर कहे ना कौन कर बहन एक वजह से हंसत है। डॉक्टर हमारा भाई लगे, वो भी तो मेरे भैया हैं। तो एक बात बताओ, तुम्हार काम हो जाए बयाना दे दे कुछ। पैसा नहीं है, अभी दे दूंगी। नहीं बा नहीं दे दूंगी बाद में। नहीं अब वही दो तुरंत, तत्काल दो, हमें तुरंत चाहिए। मेरे पास तो अपने जीजा से ले ले, डॉक्टर से बहुत मारेंगे हम, मरवाई ले। ये का है? मोतियों की माला ले ले बयान करो में। चल हमारा त्योहार तब हो गया, मैं चल रही हूँ। हाँ जा बहादुर। सरदार जी कहो। सब बात ठीक, एकदम सब बात ठीक बा, लेकिन एक बात हमने नहीं सुनी। क्या? ई अपने बाप के अपने बहनी के पिसान मिट्टी में काहे मिलावे चाहदी बा? अरे पिसान बा दू यहां एहर पीटे दू यहां टोट कोचा बने खाई तो समझ नहीं पाया बहादुर। पिसान मिट्टी में नहीं मिला रहे। हां तब का अपने बाप और बहन को बर्बाद करना चाहती। अच्छा एक तरह से ये देखो कि स्वयं राज्य करना चाहती है उन लोगों से छीन कर। और हमें तुम्हें क्या दिक्कत है बहादुर? इसके पहले हम लोग कोई धनाढ्य गांव की तलाश कर रहे थे। हाँ। तो ये जान ले कि इसका नाम अंजू है, पहले तुम जो मालूम हुआ। हाँ। और एक बहुत बड़े सेठ की बेटी है। ये सेठ की लड़की है? बहुत बड़े सेठ की बेटी है। 30,000 रुपए तो इसके लिए कुछ नहीं है। अच्छा रही बात कि अगर इसका कार्य कर देंगे तो हम लोगों को मालामाल कर देगी। ऐसा? और तुम्हें तो यह ज्ञात है कि हम लोगों को क्या चाहिए, दौलत। दौलत अगर मिल जाए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जल्दी करे के बाद काम, जो पैसा जल्दी दे दे तो सदियों क्यों नहीं, हमारे शादी हो जाए, डॉक्टर के पास चला जाती। अरे हमें तो अरे सारी दुनिया में दिखाई, अरे दे की दौलत है हमें तो। अरे लड़ गई सुई से सुई रात के 12 बजे, लड़ गई सुई हर कौन बनवा बसियर बाजे, ललली हो कोयलिया हमारी भौजी, हमारी भौजी अरे कौन हो नगरिया बोलो बसियर बाजे बोलली कोयलिया हमारी भौजी, कि हमारी भौजी कौन हो नगरिया बोलै मोर हमारी भौजी कौन हो।
वन में बसिया रे बाजे बोलली कोयलिया हमारी भौजी कि हमारी भौजी अरे गोकुल हो नगरिया अरे नमस्ते बाबूजी। अरे नमस्ते नमस्ते कहा बिटिया मंजू। हाँ बाबूजी। और बताओ पढ़ाई लिखाई तो हर बढ़िया चला। ठीक है बाबूजी। मन लगाई के पढ़ाई बिटिया जवान रुपया लागे हम खर्चा करा तू पढ़ा लिख अपन नाम रोशन करे अहे संगे अपने बापा के नाम रोशन करे। हाँ बाबूजी यही चाहते हो मैं। बोला बोला का बात बा कैसे चलू आज आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ बाबूजी। हमसे अरे पिताजी यही की तमन्ना हमारी पिताजी यही की पिताजी यही की अरे तमन्ना हमारी अरे मैं जाखू में आऊं पापा अरे मैं जाखू में आऊं पापा चमन की पहाड़ी जाखू में भैया आप हैं हमारे बड़े भैया फिर से आ गए मानस कुमार साकिन बैद्वार की धरती से भावी प्रधान महोदय मानस कुमार भावी प्रधान महोदय बैद्वार वाले भैया आपके तरफ से मंजू की पढ़ाई के लिए सादर 11 रुपए सप्रेम भेंट कर रहे हैं सहयोग में धन्यवाद। हेलो ध्यान दीजिए साथी बाबूजी ए है शौक दिल में अरे हमारी उभरता अरे मैं बागों में ले जाऊं अरे मैं बागों में ले जाऊं ये अपनी सवारी बाबूजी। हेलो हाँ ध्यान दीजिए आप आ गए परम सम्मानीय बाबूजी। बोला बोला आज मैं इन्हीं बागों में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ बाबूजी। हाँ। इसलिए आपके पास आई हूँ बगीचा घूमे जावा। हाँ बाबूजी बिटिया हो अगर तुहार इच्छा बा। हाँ बाबूजी तो हम तुहार भला मना कैसे कह सकी था। हाँ। तू बेटी नहीं और तू बेटी नहीं बल्कि है बेटा हमारा। हेलो बाबूजी अरे तू ही इस महल है बेटी सितारा। और मैं देता इजाजत क्या ये चमन घूमे आवो। धन्यवाद बाबूजी क्या कि मैं देता इजाजत ये चमन घूमे आओ। अरे मगर जल्दी आना मेरी आंखों की तारा मगर जल्दी बाबूजी
बिटिया हो। दिन न डूबने से पहले मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी बाबूजी। यही हमारा इच्छा बा। तो जाना तू अब हमारे आँखी का तारा एक लौती मान लो तुम्हें दुलारा हो। एक बात है बाबूजी, अगर तुम्हारी इजाजत बा जा जा बगीचा घूमी आवा, लेकिन शाम भय से पहले वापस घरे चली आ जाऊंगी बाबूजी। बिटिया मंजू कहो बाबूजी, हमारी इच्छा ही कहता क्या जुग जबाना यार खराब बा, क्या आजकल केहू पर भरोसा नहीं बा, हमारी इच्छा ही बा है। ला ये क्या करूंगी आपकी पिस्तौल बाबूजी, तू समझता ही नहीं हो, कहा था जुग जबाना खराब बा, तू रखा अपने लगे ये काम करे तुहर, ये मान लो वक्त पर तुहर बहुत रक्षा करे। ठीक है आपका आदेश है तो आपकी पिस्तौल में साथ में लेके जाऊंगी बाबूजी। लेकिन बाबूजी बोला पता नहीं बात क्या है, इस समय दीदी हर समय नाराज चलती है, मेरे समझ में कुछ आता नहीं बाबूजी। छोड़ वो करे बात पर तनिको ध्यान न दे, ओकर मन नहीं लगता पढ़े लिखे में, उके जान के ठोकर मारे है कि या तो सुधर जाए और या फिर ओका पढ़ाई लिखाई बंद कर दे, ना पढ़ाऊ। ठीक है बाबूजी लेकिन एक बात और कहना चाहते हो, अरे सब कर खूनवा एक कहिरे हुए, सब कर खूनवा के माई बाप की रात रोले, अरे केहू के माई बाप की रात रोले, अरे माई के ममता एक खीर हवी कहिरे हवी हरा मावा यलगा यलगा बात, हरा मावा यलगा यलगा बात। बाबूजी ठीक है बाबूजी, मैं जा रहा हूँ लेकिन दिन न डूबने से पहले मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी बाबूजी। हाँ बेटिया हमारे बात का विशेष ध्यान रखो, दिन न डूबे के पहले वापस हवेली। ठीक है बाबूजी, जुग जमाना बहुत खराब है, मैं जा रहा हूँ बाबूजी। जा जा तू देखा यार, जहाँ हमारे बंजू बिटिया आए कितना प्रेम से पापा पापा कह गए, और ये खेबा अंजुआ ओकर अकड़ देखा यार अलग रहता।